जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ डिफेंस एजुकेशन पालमपुर। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे, हिमाचल पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्लास फर्स्ट आज हमारी ये रहेगी, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको साइंस के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे ये, और अक्सर ज़्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। डेली हम टॉप 10 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जो कि आपके हिमाचल पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो हमारे केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस हम करेंगे। सो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है, मतलब एक ही टाइप के एटम जो हैं वो किस में मिलते हैं, या वो आपका खनिज यौगिक है, खनिज मिश्रण है, प्राकृतिक तत्व है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा, एक ही प्रकार के परमाणु या एक ही प्रकार के एटम जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं प्राकृतिक तत्वों में। इसका मतलब है नेचुरल एलिमेंट में जो है वो आपको एक ही टाइप के एटम जो है वो देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, पदार्थ के परमाण्विक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था, मतलब ऐसा कौन सा साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले अटोमिक थ्योरी ऑफ मैटर के बारे में जो है वो समझाया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो सही आंसर है वो है जॉन डॉल्टन। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। जॉन डॉल्टन ने जो है, डॉल्टन अटोमिक थ्योरी आपने सुना होगा, केमिस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है इनकी। जॉन डॉल्टन ने सबसे पहले बताया था कि मैटर जो है वो हमारे पास होता है, उसमें एटम्स होते हैं और हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ऑप्शन बी जो है वो जॉन डॉल्टन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनायन तब बनता है, मतलब कि केटाइन कब बनता है, केटाइन इज फॉर्म्ड व्हेन, केटाइन में क्या चीज होती है, या तो वो एटम जो है वो रिसीव एटम रिसीव इलेक्ट्रॉन, या वो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर लेता है, या इलेक्ट्रॉन को ये वो बाहर निकाल देता है, इसका मतलब लूज कर देता है, या फिर वो बाहर से धनावेश आता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज वो ले लेता है पहले से ही, या फिर वो प्रोटॉन जो है वो बाहर निकाल देता है अपने एटम से। तो कौन सा इसका जो है राइट आंसर रहेगा? तो केटाइन या फिर धनाइन हम जिसको बोलते हैं, ये तब होता है जब वो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज कर देता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जब वो अटोमिक जो उसका एटम है वो लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन्स को, तब वो क्या बन जाता है, केटाइन्स की फॉर्मेशन में बन जाता है। और एनाइन जो है वो इससे बिल्कुल अपोजिट है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिसीव किए जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेडियो धार्मिता या फिर रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी किसने की है, रदरफोर्ड, हेनरी बेकुरल, रॉन्टजन या फिर आइंस्टाइन ने? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके पास। तो रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो धार्मिता की खोज जो है ये की थी हेनरी बेकुरल में, हेनरी बेकुरल। ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और आपको बता दूं कि रेडियो एक्टिविटी के यूनिट जो हैं वो पड़े हैं मैडम क्यूरी के नाम पे, तो क्यूरी जो है वो इसके यूनिट रहेंगे रेडियो एक्टिविटी के। और मैडम क्यूरी को जो है वो 2 बार नोबेल प्राइज जो है वो भी मिल चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्य का मात्रक क्या है, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। वर्क के यूनिट क्या है हमारे, जूल, न्यूटन, वॉट या फिर डाइन? तो काफी इजी क्वेश्चन है, जूल जो है वो हमारे वर्क के क्या है, यूनिट है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए जो है वो रहेगा। उसके बाद न्यूटन की बात करते हैं, तो न्यूटन जो है ये हमारे यूनिट रहते हैं किसके, ये फोर्स के यूनिट रहते हैं। उसके बाद वॉट जो है ये हमारे यूनिट रहते हैं किसके, पावर के यूनिट हमारे क्या रहते हैं, वॉट रहते हैं। उसके बाद डाइन की बात करते हैं, तो डाइन भी हमारे वैसे तो फोर्स के ही यूनिट जो है वो काउंट किए जाते हैं, बट डाइन जो है वो सीजीए सिस्टम में काउंट किए जाते हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, वस्तु को गर्म करने पर उनके
अणु जो है वो कैसे हो जाते हैं, मतलब जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल्स में क्या चेंज आता है, क्या उनकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, उनका भार। यहाँ पे इंग्लिश में ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे आना था ये, उनका भार जो है वो ज्यादा हो जाएगा या फिर उनका भार जो है वो कम हो जाएगा। तो ये आपको बताना है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे से टकराना जो है वो शुरू कर देते हैं। ये आपको पता है सॉलिड में कुछ इस टाइप की अरेंजमेंट जो है वो रहती है, तो ये क्या करते हैं जल्दी जल्दी से इस वे में वाइब्रेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करके वाइब्रेशन करते हैं। उस वजह से उनकी जो स्पीड है, उनकी जो चाल है वो बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, मतलब जो साउंड वेव है आपकी उनका नेचर कैसा होता है, क्या वो ट्रांसवर्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल हैं, प्रोग्रेसिव हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैं, इसका मतलब अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, अप्रगामी या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य या फिर आप बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव जो है वो आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और जो लाइट वेव है वो आपकी होती है ट्रांसवर्स वेव। लाइट जो है वो दो टाइप के नेचर को शो करती है, सबसे पहला है आपके पास पार्टिकल नेचर और दूसरा है आपके पास वेव नेचर, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन साउंड वेव जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेव नेचर को ही शो करती है, इसलिए वो लॉन्गिट्यूडनल वेव यहाँ पे मानी जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, मतलब कि बायोलॉजी का सबसे पहले जो नाम है वो किसने लिया था, ये आपको यहाँ पे बताना है। ज़्यादातर यहाँ पे अरस्तु को हम यहाँ पे टिक करते हैं, बट उसको जो है वो अरस्तु को बायोलॉजी का फादर बोलते हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले जो है वो इस शब्द का यूज़ नहीं किया था। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपका ऑप्शन डी, लेमार्क तथा ट्रेवी रेनिस, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो है वो सबसे पहले बायोलॉजी बर्ड जो है वो उसका यूज किया था। लेकिन अगर फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें तब हम किसको जानते हैं, अरस्तु को जानते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9th क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसे बार्गिकी का पितामह कहा जाता है, बार्गिकी का मतलब है फादर ऑफ टैक्सोनोमी, फादर ऑफ टैक्सोनोमी जो है वो किसे कहा जाता है। तो कुछ यूनिक क्वेश्चन जो है वो भी आपके इस बार हिमाचल पुलिस का जो 2022 का क्वेश्चन पेपर था उसमें जो है वो जनरल साइंस थोड़ी सी टफ लेवल की पूछी गई थी, ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा लेकिन हल्का सा लेवल जो है वो अपग्रेड किया गया था। तो इस बार भी ज़्यादा चांस है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले जिनका आपको थोड़ा सा आइडिया ना हो, ताकि बच्चों की स्पीड जो है एग्जाम में वो थोड़ी सी कम रह जाए। एग्जामिनर यही सोचता है कि क्वेश्चन जो है वो उतना इजी भी नहीं देना, उतना टफ भी नहीं देना, लेकिन उसका ऐसा क्वेश्चन दे दो जिसके बारे में उसने कभी ज्यादा सुना ना हो। तो बार्गिकी का पितामह या फिर टेक्सोनोमी के फादर जो है वो किसे जाना जाता है, तो लीनियस, लीनियस को जो है वो फादर ऑफ टेक्सोनोमी के नाम से हम जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, गाजर क्या है, कैरेट जो है उसको क्या बोला जाता है, जड़ है, तना है, फूल है या फिर पुष्प क्रम है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं गाजर जो है वो एक टाइप की जड़ मानी जाती है, रूट मानी जाती है, क्योंकि गाजर जो है वो जमीन के नीचे लगती है और हम उसका जड़ वाला पार्ट ही, रूट वाला पार्ट ही हम खाते हैं, तो गाजर जो है वो एक रूट या फिर जड़ जो है वो मानी जाती है। इस क्लास की पीडीएफ पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो वहां पे आपको मिल जाएगा। साथ में जो भी हिमाचल पुलिस के जितने भी अपडेटेड हमारे नोट्स रहते हैं, करंट अफेयर रहता है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल के ऊपर या फिर व्हाट्सएप के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाता है।
अगर आपने हिमाचल पुलिस की टेस्ट सीरीज जो है वो अगर बाय करनी है तो आप www.vijaypatheducation.com या फिर प्ले स्टोर से आप विजयपथ एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप अपनी हिमाचल पुलिस की टेस्ट सीरीज को एनरोल कर सकते हैं। मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।